आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। साल 1998, सिमरपुर गांव के बाजार में बाकियों की तरह ही मेरी भी एक छोटी सी दुकान थी, जहां मैं पूजा वगैरह में लगने का सामान बेचा करता था। उस वक्त मेरा धंधा बिल्कुल सही चल रहा था, क्योंकि दिवाली आने वाली थी और दिवाली से पहले काली पूजा में पूजा की सामाने तो लगती ही हैं। तो उस दिन दुकान में सुबह से ही बहुत भीड़ थी। मुझे लगा शाम होते होते भीड़ कम हो जाएगी, मगर मैं गलत था। अंधेरा होने के बावजूद भी भीड़ ज्यों की त्यों ही बनी रही। आखिरकार रात के 9:45 बजे लोगों की भीड़ खत्म हुई। सारी दुकानें बहुत पहले ही बंद हो चुकी थीं। खैर, मैंने भी दुकान बंद किया और घर के लिए थोड़ा बहुत पूजा का सामान लेकर चल पड़ा अपने ठिकाने की ओर। एक हाथ में बैटरी टॉर्च और दूसरे हाथ में सामानों से भरा थैला लेकर मार्केट के रास्ते पर मैं आगे बढ़े जा रहा था। मार्केट में पसरी हुई खामोशी को देखकर मैंने मन ही मन में बोला, आज सच में बहुत रात हो गई है, चलो कोई नहीं, अभी नहीं कमाऊंगा तो कब कमाऊंगा। ये सोचकर मैं चलता रहा। वैसे तो अभी पूरी तरह से ठंड ने अपने पैर नहीं फैलाए थे, मगर गांव के सुनसान और उस मैदानी रास्ते पर मुझे हल्की हल्की ठंड महसूस होने लगी थी। रास्ते के दोनों बाजू दूर दूर तक सिर्फ खेत ही खेत थे, धान के खेत जो बीच बीच में चल रही हवा से लहरा रहे थे, और एकमात्र वही आवाज़ थी जिसने उस रास्ते की खामोशी को तोड़ रखा था। सिमरपुर गांव के उस कच्चे रास्ते पर उन सनसनाती सर्द हवाओं के बीच अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो, क्योंकि मैं अपने अलावा किसी और के कदमों की आवाज़ भी साफ तौर पर सुन पा रहा था। मैं पीछे मुड़कर देखना चाह रहा था, मगर कहीं ना कहीं डर भी रहा था, क्योंकि इस रास्ते के बारे में सैकड़ों कहानियां मशहूर थीं। मेरे दिल की धड़कनों ने जोर पकड़ लिया, मगर पीछे मुड़कर देखना भी ज़रूरी था, अगर कोई चोर बदमाश हुआ तो। लिहाजा बहुत हिम्मत जुटाकर मैं पीछे मुड़ा, तो पीछे पलटते ही मेरा सारा डर और घबराहट एक पल में ही छूम अंतर हो गया, क्योंकि मेरे पीछे कोई नहीं था सिवाय अंधेरा और खामोशी के। मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम होगा, और मैं वापस से आगे बढ़ने लगा। रात काफ़ी हो चुकी थी, घड़ी में वक्त देखा तो 9:45 बज रहे थे। अभी मैं उस जगह से थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि तभी मुझे फिर से किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी, लेकिन इस बार ना तो मैं डरा और ना ही पीछे मुड़ना ज़रूरी समझा, क्योंकि मैं जानता था कि ये सिर्फ एक वहम है। मगर मैं गलत था, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही कदमों की आवाज़ के साथ ही साथ पायल छमछमाने की आवाज़ भी मुझे सुनाई देने लगी। मैं डरते डरते पीछे मुड़ा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि मेरे पीछे काली साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उस औरत के सर पर किसी सिक्के जितना बड़ा काले रंग का एक बिंदी था। मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर ये औरत इतनी रात गए इस वीरान रास्ते पर क्या कर रही है। बिना आंख झपके वो औरत मुझे एकटक देखे जा रही थी। मुझे थोड़ा डर लगा और मैं उस औरत को छोड़कर आगे बढ़ गया। अब मैंने अपने चलने की रफ्तार बढ़ा दी थी, क्योंकि मैं किसी भी तरह की मुसीबत में नहीं फंसना चाहता था, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि मैं एक बड़ी मुसीबत में पहले ही पड़ चुका हूँ।
चलते चलते अब मैं उस जगह से काफ़ी आगे निकल आया था, मगर तभी जब मैंने गौर किया तो पाया कि अब वो पायल की आवाज़ मेरे पीछे से नहीं आ रही। मुझे थोड़ी हैरानी हुई। अभी मैं पीछे मुड़ने जा ही रहा था कि तभी मेरी नज़र रास्ते पर मुझसे थोड़ी आगे पर खड़ी उसी औरत पर गई। मगर ये कैसे हो सकता है, वो औरत मुझे पार किए बगैर ही मेरे आगे कैसे जा सकती है। मेरे डर की कोई सीमा ना रही, मगर मैं उस औरत के पीछे पीछे चलने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता था, तो मैंने वही किया। उस औरत के पीछे पीछे अभी मैं चल ही रहा था कि तभी वो औरत एकदम से पीछे मुड़ी तो उसकी शक्ल देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं अभी गिरकर मर जाऊंगा। उस औरत का चेहरा पूरा कटा फटा था, जैसे किसी ने धारदार खंजर से उस औरत के चेहरे पर चोट किया हो। उस औरत के खुले लंबे बाल हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे वो बाल ना होकर सांप हो। डर के मारे अभी मैं कांप ही रहा था कि तभी वो औरत मुझसे बोली, वो थैला फेंक वरना। उस औरत की बात मानकर अभी मैं थैला फेंकने जा ही रहा था, तभी मुझे याद आया कि इस थैले में पूजा के सामान के साथ ही साथ माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान की मूर्ति है जो मैं दिवाली के पूजा के लिए अपने घर ले जा रहा था। मैं उस औरत या यूं कहे तो उस चुड़ैल की चाल समझ गया। मैं जानता था कि अगर मेरे हाथ से ये थैला अलग हुआ तो मैं जान से जाऊंगा, इसलिए मैंने उस थैले को और कस के पकड़ लिया और वहीं पर डटकर खड़ा रहा। इतने में ही मुझे मेरे पीछे से किसी साइकिल की आवाज़ आने लगी, जिसके साथ ही वो चुड़ैल हवा में धुआं हो गई। वो साइकिल वाला मेरे गांव का ही आदमी था, तो मैं उसी की साइकिल पर बैठकर घर आ गया। बाद में मुझे कहीं से पता चला कि दरअसल बहुत पहले उस रास्ते पर चोरी डकैती हुआ करती थी, जिसमें बहुत से लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं और उन्हीं की आत्मा उस रास्ते पर भटकती रहती है। तो ऐसे उस रात मेरी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।